YouTube is flooded with videos on new course notification जो 23rd को आई थी. So I decided to watch every single video on YouTube and it took me 6 hours. And here are 3 things that I learned. First, कि भाई जो भी questions तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं कि conversion कैसे होगा, exemption कैसे carry forward होगी, क्या एक group फिर से देना पड़ेगा अगर already दिया हुआ है, तो भाई इन questions के answers कहीं भी नहीं है. ICAI इनके ऊपर FAQ निकालेगा on 1st July 2023, तो तब तक के लिए पेशेंस रख लो, थोड़े से ही दिन बचे हैं. अभी किसी के पास भी एक्चुअल आंसर्स नहीं है इन क्वेश्चंस के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अदरवाइज विशफुल थिंकिंग वाले आंसर्स मिलेंगे जिनका कोई पॉइंट नहीं है. सेकेंड चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर इंस्टीट्यूट ने अपनी न्यू कोर्स के हिसाब से क्लासेज लॉन्च कर दी हैं, तो जिसकी भी क्लासेज आपको लेनी है उनकी वेबसाइट पर आप जाके डिटेल्स देख सकते हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन के चक्कर में तुम न्यू क्लासेज लेना भूल जाओ. एंड थर्ड विच इज मोस्ट रेलिवेंट, कि अगर आप आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कराने का सोच रहे हो, तो अगर आप 30 जून तक कराते हो तो फिर आप ओल्ड स्कीम में जाओगे एंड आर्टिकलशिप 3 साल की होगी. बट वहीं अगर 1st जुलाई या ऑनवर्ड्स कराते हो तो फिर न्यू स्कीम में जाओगे और तब आपको 2 साल की करनी होगी. एंड अनफॉर्चुनेटली नवंबर 2023 ओल्ड स्कीम का लास्ट अटेम्प्ट होगा. तो ये 6 घंटे लगाने के बाद ये समझ आया कि भाई इन शॉर्ट अभी सिर्फ डेट्स आई हैं एंड क्वेश्चंस के आंसर्स तुम्हें धीरे धीरे करके मिलेंगे 1st जुलाई के बाद. तो इसीलिए अभी वेट करो, अपना ध्यान रखो और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.